इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बंगाल के चुनावी धमाके के बाद अब बात असम की। असम में तीसरे और आखिरी चरण के मतदान से पहले AIUDF चीफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने एक ऐसा बयान दे दिया जो कांग्रेस की नींद उड़ा सकता है। अजमल ने बीजेपी के काम की तारीफ कर दी। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने ये साफ साफ मान लिया कि बीजेपी सरकार ने कई बढ़िया काम किए हैं। अजमल की पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है और थर्ड फेज की वोटिंग से ठीक पहले उनका बीजेपी के काम की तारीफ करना कांग्रेस को चुभने वाला है। आप उनके डेवलपमेंट पे उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं उनके देखिए, ये दुश्मन भी अगर काम करता है तो उसको तो आपको मानना पड़ेगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि उन कामों को वो आवाम के सामने गिनवा नहीं पाए, लोगों को दिखा नहीं पाए कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। आप मान रहे हैं काम किया उन्होंने, डेवलपमेंट किया? मैं बोल रहा हूँ, बीजेपी वाले नहीं बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने बहुत से अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन फील्ड में वो उसको गिनवा नहीं पा रहे। वो सिर्फ बदरुद्दीन अजमल के नाम के पीछे पड़े हुए करने के लिए हिंदू भाइयों को, आसामी भाइयों को। बीजेपी के काम की तारीफ करने वाले बदरुद्दीन अजमल ने अपने बेटे की लुंगी दाढ़ी टोपी वाले बयान पर भी सफाई दी। अजमल ने कहा कि उनके बेटे का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बदरुद्दीन का कहना है कि उनके बेटे का बयान भाईचारा बढ़ाने वाला है। क्या ये कम्युनल नहीं है? अगर आप किसी टोपी वाले, आप कहें लुंगी वाला, टोपी वाला मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो कम्युनल है साफ तौर पर। मीडिया वाली है जी, और हम आपका एहतराम करते हैं। मेरे पास वो वीडियो मौजूद है, मैं बैठा हुआ था। उसने ये कहा, चीफ मिनिस्टर बनने की बात नहीं कही, कि आसाम में अगर लुंगी वाले टोपी वाले का एहतराम होगा, उसी तरीके से टीके वाली एक महिला, साड़ी वाली एक हिंदू महिला का भी एहतराम होगा। वो दिन आने वाला है। और कई चीजों के उसने मिसालें दी, भाईचार की उसको इन लोगों ने किसी ने दिखाया नहीं। माइनॉरिटी को पोलराइज करना चाहते हैं आप, माइनॉरिटी को अपीजमेंट करने के लिहाज से ही महाजोत बनाया गया है कि कैसे जो मुस्लिम वोट है उनका कंसोलिडेशन पूरे असम में किया जाए। देखिए, पोलराइज कौन नहीं कर रहे, पोलराइजेशन प्राइम मिनिस्टर आए तो कहां कहां प्रोग्राम किया। प्राइम मिनिस्टर थे, उनको तो खुल के सीना खोल के मुसलमानों के बीच में आना चाहिए था। उनके ही देश के लोग हैं, कोई ना कोई उनको वोट भी दे रहा होगा बीजेपी को, ऐसी बात तो नहीं है। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं वो हिम्मत नहीं है, या तो ये है कि वो सिर्फ हिंदू वोट के अंदर कंसंट्रेट करना चाहते हैं। नमस्ते, मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।